नमस्कार आदरणीय दोस्तों, आज हमारे समाज में महिलाओं का शोषण, महिलाओं पर अत्याचार या फिर महिलाओं का कत्लेआम, ये सभी अल्फाज कम और छोटे नजर आते हैं। तेजाब का शिकार हुई महिला की पीड़ा क्या है? दोस्तों, महिलाओं को जिस्मानी और मानसिक रूप से तकलीफ पहुंचाना कुंठित पुरुषवादी सभ्यता के लिए ये कोई नई बात नहीं है। पहले के समय में जब किसी शक्तिशाली पुरुष के अंदर किसी कबीले, गांव, कस्बे, राज्य या किसी देश की सत्ता का स्वप्न उसके हृदय में आया होगा, तो सबसे पहले उसने महिलाओं की आजादी को निगला होगा और तब जाकर कहीं उसने अपनी सत्ता का शासन और आसन बिछाया होगा। परंतु आज 20वीं और 21वीं सदी आते आते महिलाओं ने अपनी योग्यता से, अपनी मेहनत से ये सिद्ध कर दिया है कि वे पुरुषों से किसी भी बात में कम नहीं है। आज हर महिला अपने वजूद के लिए, अपने हक के लिए लड़ना जानती है और जिसके कारण आज उसे संविधान में कई अधिकार भी प्राप्त हो चुके हैं। परंतु दोस्तों, दूसरी तरफ हमारी कुंठित पुरुषवादी सभ्यता महिलाओं को नीचा दिखाने के लिए, उन्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए एक ऐसे हथियार की तलाश में थी जो आसानी से उपलब्ध हो सके और जिसकी चोट इतनी घातक हो कि सामने वाले इंसान की आत्मा तक घायल हो जाए, और साथ ही हमारे संविधान में ऐसी कोई धारा न हो जिसका प्रयोग करने वाले अपराधी पर किसी बड़ी सजा का प्रावधान रखती हो। दोस्तों, एसिड अटैक पर हमारे समाज में ज्यादा से ज्यादा विक्टिम पर लेकर टीवी प्रोग्राम बनाकर या फिर मूवी बनाकर अपनी टीआरपी और अपनी स्पॉन्सरशिप बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं हुआ है। आज हजारों ऐसी वेदनाएं, हजारों ऐसे केसेस न्यूज चैनलों पर, सोशल मीडिया पर बिना किसी चर्चा के ही दफन हुए पड़े हैं, जबकि हकीकत में दूसरे ही दिन पीड़िता अपने इलाज के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही होती है। कई महिलाएं अस्पतालों में तड़फ तड़फ के दम तोड़ रही होती हैं, या फिर कई महिलाएं गुमनामी के अंधेरों में एक जिंदा लाश बनकर घुटन भरी जिंदगी जीने के लिए विवश होती हैं। तो ऐसे में हमारी अपनी न्यायपालिका से और भारत सरकार से ये निवेदन है कि वह ऐसे घृणित मानसिकता रखने वाले अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अपने संविधान में कड़े से कड़े कानून बनाए और सख्त से सख्त अपराधी को सजा देने का प्रावधान रखे, ताकि संपूर्ण विश्व को सबक मिल सके और साथ ही पीड़ित महिला मुफ्त इलाज के साथ साथ सरकारी नौकरी की भी सुविधा दी जाए, सामाजिक सुरक्षा के लिए उन्हें एसिड अटैक विक्टिम फंड दिए जाए या फिर एसिड अटैक विक्टिम संस्थानों का गठन किया जाए, ताकि पीड़िता को कुछ तो राहत मिले। जाते जाते दोस्तों, ये कहना चाहेंगे कि हमारे समाज में ऐसी बहुत सी लड़कियां भी होती हैं जो कई बार लड़कों को पसंद करती हैं और उन्हें अपना प्रस्ताव भी रखती हैं, और अक्सर लड़के कई बार उन्हें मना भी कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन लड़कियों का भी दिल टूटता है, उन्हें भी निराशा हाथ लगती है, पर वो सामने वाले लड़के के निर्णय को भगवान का निर्णय समझकर और अपने मन को समझाते हुए उसे दिल से स्वीकार करती हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाती हैं, ना कि उस लड़के पर एसिड फेंक देती हैं। तो फिर हमारे समाज में आखिर लड़के ही क्यों एक ना को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं? क्यों वो ये बात नहीं समझते हैं कि जबरन किसी को हासिल करके एक सामान्य, एक सुखमय जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता है? दोस्तों, हो सकता है कि ऐसे अपराधी लड़के किसी कानून या अदालत से बच भी जाएं, परंतु एक बेटी की वेदना से, उसके दिल से निकली बददुआ से वो कभी नहीं बच सकते हैं, वो कभी चैन की नींद नहीं सो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये विधि का विधान है कि जिंदगी में हम जो दूसरों को देते हैं वही जिंदगी हमें वापस करके लौटाती है। हाँ दोस्तों, तेजाब कोई भी यहाँ रूह तलक जाता नहीं, चेहरा मिटाकर भी कोई हस्ती मिटा पाता नहीं। मैं फैसले पे पछताऊंगी, मैं फैसले पे पछताऊंगी, ये सोच कर बैठा है अगर तू जान ले
कोई फैसला ऐसे बदल जाता नहीं। तू जान ले, कोई फैसला ऐसे बदल जाता नहीं। धन्यवाद।